कटघर थाना क्षेत्र में गोविंद नगर वासियों ने रेलवे द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों को रोकने का प्रयास किया। क्षेत्र वासियों का कहना है कि रेलवे जो निर्माण कार्य करा रही है उससे गोविंद नगर में आने जाने वाले लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि रास्ते में जगह जगह जेसीबी द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे हैं जिनमें बरसात के दिनों में पानी भरने का डर है और इससे घटनाएं भी हो सकती हैं। गोविंद नगर के जो लाइनों का रास्ता है उसके चौड़ीकरण को लेकर ये सब लोग गोविंद नगर के नागरिक हैं ये इकट्ठे हुए। समस्या यही है कि हम ये जो रेलवे ने रास्ते का डिमांड करी है और जो रास्ता दिया है, हम ये चाहते हैं कि पहले यहाँ से खंबे वम्बे ये जो नाले का जो स्लैब है ये करके उसके बाद ये बाउंड्री का काम शुरू हो जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। और अभी मेयर साहब से ही बात हुई, विधायक जी से ही बात हुई है, वो 12:30 बजे के लिए कह के गए, उसके बाद भी ये लोग काम कर रहे हैं तो विरोध तो जरूरी है। अगर जीने का अधिकार है तो विरोध करने का भी अधिकार है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। रेलवे अधिकारी आपकी बात क्यों तक नहीं मान रहे? रेलवे के तो कान पे जूई नहीं रेंग रही है। रेलवे को काफ़ी टाइम से समझाने का प्रयास करा, पिछली बार भी पीछे हुआ था खुदाई, तब भी कहा गया था, तब भी यही बात हुई थी कि क्या कहते रेलवे वाले, उस समय भी 2 महीने के लिए चले गए थे, कोरोना काल चालू हो गया, इस चक्कर में अब तक नहीं आए, फिर दोबारा बरसात में उसे पानी भर गया, गड्ढे में कई लोग पिछली बार भी गिर चुके हैं, उसके बाद भी रेलवे की नींद ही नहीं जागने की कोशिश कर रहा है कि रेलवे कुछ उठ जाए और लोगों को एक अच्छी सहूलियत दे सकें। बाकी अभी जाके अभी मेयर साहब से बात हुई है, फ़ोन पर भी बात हुई है, वैसे ही बात हुई है, वो कह रहे हैं 12:30 बजे मैं आता हूँ और मैं बताता हूँ कि क्या क्या काम हुआ है। और जो अभी MDA का मीटिंग हुई है उस मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है कि छोटा नाला कर दिया जाएगा, पाइप डाल दिया जाएगा और 16.5 फीट का लगभग रास्ता आप लोगों को दे दिया जाएगा। सुनवाई तो सब अब 15 दिन बाद के लिए कहा गया कि 15 दिन बाद काम शुरू होगा और सोमवार से भाई जब नींद से जाग जाएगी तभी हमारा काम शुरू हो जाएगा रेलवे का। हमारा प्रस्ताव सिर्फ इतना है, पहले जो बाधाएं हैं यहाँ की जैसे खंबे हैं और छोटे मोटे ट्रांसफार्मर ब्रैकेट लगे हुए हैं इनको हटाया जाए, उसके बाद ही खुदाई का काम कराया जाए, क्योंकि जब बारिश होती है तो बाइकें गिरती हैं, चोट लगती है, उस टाइम ना सरकार आती है, ना कोई पुलिस वाला आता है, ना रेलवे आती है देखने के लिए। तो हमारी बस इतनी ही गुजारिश है कि पहले ये बाधाएं हटाएं, उसके बाद जो भी करना है आपको चौड़ीकरण करना है, गड्ढे खोदने हैं, आपकी जगह है, आप करिए, कोई बाधा हमारे गोविंद नगर के नागरिक आपको नहीं डालेंगे और आप मदद करेंगे और हम मदद करेंगे, सब लोग सहयोग करेंगे, खंबे लगाने से लेकर हर चीज में सहयोग करेंगे, लेकिन जब तक हमें रास्ता नहीं मिलेगा और हमें यहाँ का सौंदीकरण नहीं मिलेगा कि एक रास्ता तैयार हो गया जिसपे हम चल सके। अभी जो जैसे ही ये GCC मिट्टी उठा के इधर की साइड को डालेगी तो वैसे ही रास्ता बंद हो जाएगा और बरसात का टाइम है, आप सबको पता है कि बरसात में दलदल हो जाएगी, कोई बच्चा गिर गया अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बारिश का मौसम वैसे ही हो गया है, ऐसा खंबे जो हैं हट जाए इसकी एक गारंटी हो जाए, इसके बाद में कोई नहीं, काम तो सब मिलके करेंगे साथ में और सब लोग सहयोग करेंगे, गोविंद नगर के जितने भी लोग हैं सब लोग मिलकर सहयोग, सारे गोविंद नगर के नागरिक सहयोग करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बाधाएं हटाइए उसके बाद गड्ढे खोदिए, क्योंकि बरसात का टाइम है, आप सभी जानते हैं बच्चे हैं छोटे छोटे गिर जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सर कौन लेगा? 70 साल बाद हमें पुल मिला है, हम स्वागत है, गवर्नमेंट का भी स्वागत है, प्रशासन का भी स्वागत है, लेकिन कम से कम उस रास्ते पर चलने के लिए तो हमें रास्ता दें जिससे हम पुल तक चल सकें, यही मांगे बस हमारी।